सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। आइए देखते हैं आज के कुछ खास समाचार। शिमला की संजौली मस्जिद की आरटीआई मांगने वाले इस दलित को कांग्रेस सरकार ने न केवल सस्पेंड कर दिया बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। यह सज्जन है कमल गौतम, जिन्होंने अवैध मस्जिद की जानकारी कई बार सरकार से मांगी। मजबूरन सरकार ने जवाब तो दिया, लेकिन सरकार भी चिढ़ गई और कमल गौतम के पीछे पड़कर सस्पेंड कर दिया। जब मस्जिद के अवैध होने की जानकारी ने तूल पकड़ा और व्यापक जन विरोध के साथ हजारों लोग आंदोलन करने लगे, तो कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले दलित हिंदू कमल गौतम को निशाना बनाते हुए गिरफ्तार किया। ये तो मुझे क्यों रोका जा रहा है सर? वेरीफाई कर लेते हैं ना। कर लीजिए वेरीफाई। आपके साथ ही नहीं है तो मुझे ये तो बताएं कि आप मुझे डिटेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तो बताइए। नहीं, मैं सहयोग कर रहा हूँ सर, लेकिन मुझे बताइए कि आप क्या करने वाले हैं। देखिए, ये जो है हिंदुओं की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, और कमल गौतम जो है अपने हिंदू समाज के लिए जान दे देगा, लेकिन इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेगा। और ये अगर एक एक कमल गौतम को अरेस्ट किया जाता है तो आज हजारों कमल गौतम सड़कों के ऊपर उतर करके इस आंदोलन को नेतृत्व देने का काम करेंगे। देखिए, जो हिंदू समाज का आक्रोश है वो इस बात को लेकर के है, जो यहाँ अव्यवस्था फैली है, इस प्रकार के अवैध ढांचे जो हिमाचल में खड़े किए जा। शाहजहांपुर में बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। काट से गड़िया रंगीन के लिए जा रही बस दुधवाना पुल के पास बैगुल नदी में गिर गई। हमारे संवाददाता उदय प्रताप सिंह ने बताया कि बस ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई और बस सड़क से नदी की ओर पलट गई और तीन बार उलटते पलटते हुए नदी में गिर गई, लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी कोई हताहत नहीं हुआ। ड्राइवर सहित सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। आपको विश्वास नहीं होगा कि कोई आईपीएस ऑफिसर किसी गरीब बेसहारा से मिलकर रो पड़ेगी, और वो भी जिला की पुलिस कप्तान। जी हां, इसे कहते हैं गैरों के प्रति अपनापन। वीडियो में दिखाई दे रही वर्दीधारी महिला औरैया की एसपी चारू निगम है, जिनका स्थानांतरण गाजियाबाद के पीएसी में हो गया है। चारू निगम अक्सर वृद्धाश्रम जाती थी और वहाँ के बुजुर्गों के पास समय बिताने के अलावा उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करती थी, उनके दुख को बांटती थी। ऐसे में प्रत्येक बुजुर्ग महिला पुरुष उन्हें अपनी बेटी जैसा मानने लगे थे। स्वयं चारू भी एक एक शख्स को नाम से उसके अतीत से जानने लगी थी। इसी बीच उनका ट्रांसफ़र हो गया और जब उनकी विदाई जनपद से आधिकारिक रूप से हुई तो उन्हें अपने वृद्ध मित्रों का ध्यान आया और वे उनसे मिलने बिना नहीं जाना चाहती थी, सो उन्होंने वृद्धाश्रम की ओर रुख किया। जैसे ही चारू निगम अपने वृद्ध मित्रों के बीच पहुंची, वृद्ध महिलाएं उन्हें गले से लगाकर रो पड़ी, वृद्ध पुरुष सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने लगे। ऐसे भावुक वातावरण में एसपी चारू निगम भी अपने आप को नहीं रोक पाई और वे भी रोने लगी। बार बार वे अपने आंसू पोंछती थी, लेकिन आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस भावुक पल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे माँ बाप बेटी को विदा कर रहे हों। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। शहरी विकास ने बेजवानों का आशियाना छीन लिया, अब प्रकृति से खिलवाड़ का खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। लगातार खत्म हो रहे जंगल से पहचान, वन्य जीव इंसानी बस्तियों में घुस रहे हैं। देश में दर्जनों ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां हाथी, भेड़िया, बाघ, तेंदुआ, भालू जैसे जंगली जानवर गाँव में घुसकर ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं। ताज़ा मामला जनपद लखीमपुर खीरी का है, जहां थाना हैदराबाद क्षेत्र के ग्राम मुड़ा 80 में जाकिर नामक ग्रामीण को बाघ ने अपना निवाला बना लिया। जाकिर का बाघ के द्वारा खाया गया छत बिछत सौ मिला। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है, वे इसे वन विभाग की लापरवाही मान रहे हैं। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में आ गया है, कृपया सभी लोग सतर्क रहें। खेती किसानी के कार्यों के लिए
छोटे में समूहों में जाएं, कहीं पर कोई शिकार किया हुआ अवशेष देखे जाने पर तत्काल वन विभाग को सूचित करें। क्षेत्र में भ्रमण के समय किसी भी आम जन को पगमार्क दिखाई देने पर एवं बाघ के देखे जाने पर तुरंत नजदीकी वन क्षेत्र एवं पुलिस चौकी में सूचना दें। धन्यवाद। वही जनपद अमरोहा में धनौरा मार्ग पर स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर बाघ पहुंच गया और काफी देर तक टहलता रहा। बाघ को देखकर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की घिघी बन गई। उन्होंने मोबाइल से इसका वीडियो बना लिया। दूसरी ओर बिजनौर में आतंक का पर्याय बने आदमखोर चीता को वन विभाग ने ग्रामीणों की मदद से पिंजरे में कैद कर लिया। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो जी, सुबह ही फंस गया आज। कल पिंजरा लगाया था शाम के टाइम और सुबह ही फंस गया। देखो दड़ूक मारने वाला है, कुलचाने की वीडियो है। जो कई दिन से परेशान कर रखा था इसने है। और ये खुनने वाला खुकार यही लग रहा। ये देखो जी, कुलचाने के ग्रामीण भी आ गए सुबह ही। बिल्कुल आज फंस गया। देखो जी राजू, देखो दड़ूक मारने वाला।